नमस्ते। तो आप सभी ठीक ही होंगे, स्वस्थ होंगे। और आप सोच रहे ये क्या दिखा रही है। तो हम अभी अचानक से नदी जा रहे हैं कपड़ा धोने के लिए। आज 2 हफ्ता से ज़्यादा हो चुकी है, अभी तक हमारी पानी नहीं आ रही है और पूरा कपड़ा ही गंदा है। तो इसीलिए बेटा अभी बोल रहा है कि नदी चलिए जाने के लिए। सुबह से दुकान खुला था, अभी दुकान बंद करके अभी नदी जा रहे हैं। और आप, मैं आपको दिखाती हूँ टाइम कितनी हो रही है। देखिए 12:15, और अभी हम जाएंगे नदी। तो यहाँ मैंने खाना बना लिया है, खाने में कुछ नहीं बनाया, सिर्फ फिश करी और चावल। तो अभी इसको मैं पैकिंग करूँगी और रात के लिए भी खाना रेडी है। थोड़ी ज़्यादा ही बना लिया है। पूरा ये पर्दा भी पूरा गंदा है, सभी पूरा घर का कपड़ा, लगाने का कपड़ा पूरा गंदा है। तो चलिए पहले मैं कपड़ा रेडी, खाना रेडी कर लेती हूँ ले जाने के लिए। और ये पी रहे हैं हम, देखिए दुकान नहीं होने से तो वो पानी खरीदना था, अभी दुकान में है तो इसीलिए वो भी खरीदा हुआ ही है। हालिस कपड़ा पुष्पा का भी हालत खराब है, सभी गंदा हो चुके हैं हम, इसलिए सोचा नदी ही जाना ठीक है। तो अभी चलते हैं नदी, देखते हैं कहाँ मिलेगा कपड़ा धोने के लिए। तो पहले मैं रेडी हो जाती हूँ, उसके बाद आपको मैं दिखाती हूँ। जा मुंह में देखिए। और यहाँ एक गठरी, दो गठरी नीचे चली गई है। ए बकेट भी नहीं लेनी पड़े, बकेट भी नहीं लेनी। शादी लो उनका रेम्बो बोल, पापा दुकान लगाए थे तुम्हारे, ए हे कपड़ा लीडा खड़ी है। ये तो मुख भी नहीं हाल रहा था, पानी सानी हालने को लगे सजिलो। ये यहाँ छ रेम्बो बोल जेरी स्पाई के आज एक नहीं गरम बस। कटन पिछा पिछा अपना मन ये हाल दे पॉलिथिन पूरे लग रहे थे। इसमें क्यों ये पान है, तो यहाँ हम सभी बैठ गए हैं। यहाँ देखिए कुकर यहाँ है, और कपड़ा उपड़ा उपड़ा बर्तन वर्तन सब यहाँ पे है, सभी घर का कपड़ा में ही जा रहे हैं। थोड़ी लेट हो गई है, कोई बात नहीं। और यहाँ हम आ तो गए हैं, लेकिन धोने के लिए थोड़ा मुश्किल है ना क्या। और पुष्पा देखिए यहाँ कहाँ बैठी हुई है पुष्पा। और वहाँ गए हैं देखने के लिए जगह है कि नहीं। पानी भी उतना साफ तो है नहीं, लेकिन नदी का पानी ऐसा ही है, जब बारिश होती है तो ऐसा ही होता है। अब पता नहीं क्या बोलेंगे आने के बाद। छ अभी छ जगह धुने हैं, है ना, झर्नु सकिन्छ पानी में, डर भी लाग्छ त खाल्टा र खुल्टी को पिछाडी हेर सक्छ पापा धुलानु। पहिला पाली हामी यहाँ आएर फर्केर गएथ्यौँ त, अब गाडी लिएर आन्छौ के यहाँ। हाँ आदमी का बगान है, मकई गाछ के
तो भगाने। गाड़ी तो यही सब आने रहे था। पानी तो अहिले बर्खामा यस्तै हो, पानी सफा अहिले पाइन्नै। हाम्रो घरमा पानी छैन, यहाँ पानी पानी। शीतल यहाँ राखो भी शीतल छ। इतना धूप में मेरा क्या हालत होगा स्वस्थ। मान से नहीं कोई भी नहीं, वो यहीं रख दे। शीतल में ठीक है छा। और यहाँ का सीनरी देखिए, कभी कभी धूप भी खाना पड़ता है। कस्तो गरम हुन्छ होला सोच्न। त अभी चले नदी चलते है। मैले भनेको थिएँ नि बाकेट ल्याऊ बाकेट ल्याऊ, नाइ अटेन नि त, अगाडितिर राख्नु सकिन्थ्यो जसरी तसरी देखिए कपडा। ये नहाने वाला कपडा है ये, उधर इधर ही राख, अभी अंदर ही राख। यो यहाँ राखौँ, त्यसको लागि ल्याइदिएको के, त्यही सोफामा थियो। यति धेरै कपडा छ। पुरा सुरु ल्याएको थिएँ, कता राखेँ राखेँ उसले। मैले गाडेको थिएँ, मेरो त कुनै मुख्य छ। कपडा पनि त अलिअलि भएको, यहाँ मकै मक पानी हाल्ला। यति कपडा सु धेरै सुकाइहाल्छु, पा सुक्छ। पानी पुरै ठन्डा छ, सुन त भगवान्ले जति नै काट दिउँ, तर पानी चाहिँ चाहिँ छ। ढिला त उडेर गइहाल्छ त, कसैले टेक्ने होइन, कसैले केही गर्ने होइन। सबै यतातिर पनि त छ, यतातिर ऊ त्यो ढुङ्गाहरू सबैमा सुक न। मेरो चप्पल हेरेको छ नि, कति छ होला नि। ए मेरो एउटा पनि चप्पल छ, खालि खुट्टा जा। त्यो पनि फटाइदिन्छ, मैले फटाएको हो। जस्तै पो लाग्यो है मलाई त, सिलङमा यस्तै छेमा उसले गर्थेँ, मैले कपडा सुकाउँदै बस्थेँ।
बाबा पानी दे दो तो हाथ बुलाम ए इधर में ज्यादा है इधर क्या ये तो पुराना हो तो सारा थे काट नहीं सकते ना को पानी नहीं सीने सकने हाथ के ले पापा कष्ट कष्ट जाल उतना नहीं है बहुत खट्टा बाय मुझे कम क्या है कोई पापा भाई मारा था अरे उस पर मिली थी हो पापा नहीं साके ना मतलब नीली दिए कतर ठूलो दिए थे मत एउटा पान चबाओ आर दुलाओ कपड़ा सूर्य देवी गई सके ए सूर्य भगवान हम कपड़ा में घाम लगाई दे एक खानु जल्द हमला खानु को लगे सबसे धेरै त अघिले खाए जस्तो लाग्छ अघिबाट निलेको निकै छ त्यसका नाकको टुप्पामा एउटा माछा बसेर सानो भुसुमा बाप्रे मसिनो कपडा त गयो त पापाले भनेको ठिकै त हो ऊ सूर्यदेव आउनु थाले देखा तेरा अंकल के साथ भगवान का कनेक्शन है तपन सकते और यहाँ कपड़ा धोने के बाद हम नहा धो के और खाना खाने बैठ गए क्योंकि सभी को बहुत ही ज़्यादा भूख लग रही थी तो हम खाना खाने बैठ गए और खाना इतना ना ज़्यादा हमें टेस्टी लगा हम सभी ने थोड़ा ज़्यादा ही खाना खा लिया और नदी में ऐसे भी खाना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी ही होती है जैसा भी खाना हो तो हमने बहुत ही ज़्यादा एंजॉय किया सभी ने मिल के कपड़ा धोया खाना खाया बहुत ही अच्छा लगा हमें और यहाँ हम खाना खाने के बाद घर के लिए निकल गए थे तो रास्ते में मुझे ये व्यू बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा तो मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर करती हूँ तो
तो इसीलिए छोटा सा वीडियो आपके लिए भी बनाया। तो आप भी देखिए कितनी सुंदर व्यू है, मुझे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। तो आज है नेक्स्ट डे और कल हम रात को थोड़ी शाम को थोड़ी लेट ही आ गए थे, 7:45 हो रही थी और इतनी ना ज़्यादा सिर दर्द कर रही थी क्योंकि बहुत ही ज़्यादा धूप था और गर्मी भी था, तो इसीलिए मैंने कोई वीडियो भी नहीं बनाया। आने के बाद मैं सो ही गई, इतना दर्द हो रहा था। अभी भी मैंने दवाई खाया है क्योंकि ये साइड पूरा दर्द हो ही रही थी, तो मैंने दवाई खाया है तो अभी ठीक है। और आज धूप लगी हुई है तो थोड़ी बहुत कपड़ा तो सूखेगी क्योंकि सुखाने का जगह नहीं है। पहले तो हम उस बिल्डिंग में दूसरों की छत पे सुखाते थे और अभी तो अपना ही छत में थोड़ी जगह भी कम है तो वहीं पे सुखाया हुआ है, तो धूप लगने से सूख जाएगी कपड़ा। और आपको हमारा ये छोटा सा वीडियो कैसा लगा, नदी का वीडियो? अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और आज के लिए मैं आपसे यहीं विदा लेती हूँ। बाय। सभी खुश रहे, स्वस्थ रहे, अपना और अपना परिवार का अच्छा से ध्यान रखे और हमेशा खुश रहे।